अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो छोटी सी रहेगी, सर्दी बहुत थी तो थोड़ा सा प्लान बनाया कि बाहर जाया जाए कुछ खाने पीने के लिए, तो चलते हैं, आप भी देखते रहिएगा। अच्छा तो मैं बताता हूँ कि अब हम जा किधर रहे हैं। एक्चुअली अभी निकले थे तो डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ जाया जाए। आप लोगों ने लॉर्ड ब्रूस का नाम सुना होगा, वहाँ पे आप ब्रूस वगैरह ज़्यादा आपको पता है, स्पेशलिटी है उनकी। लेकिन हमारे पास लाहौर ब्रूस है, टाउनशिप में उनकी ब्रांच, वहाँ पर कढ़ाई बड़ी मज़े की मिलती है, हम अक्सर खाते हैं, तो हमने डिसाइड किया कि वहाँ चलते हैं। सो जाते हैं, आपको टेस्ट खाना खा के फिर दिखाते हैं। ये हमारे पास न्यू अंडरपास बना है अकबर चौक में, काफ़ी बेहतरीन हो गया इससे कि ट्रैफिक की रवानगी सही हो गई, अब वरना बहुत रश हो जाता था अकबर चौक की वजह से। सो हेयर वी आर एट लाहौर ब्रूस, आपने देखा तो होगा ही अक्सर गुजरते हुए यहाँ से। अच्छा ये इनका मेन्यू है, हम लोगों ने तो चिकन कढ़ाई ऑर्डर करनी है, लेकिन काफ़ी कुछ होता है इनके मेन्यू में। अच्छा ये हमारी कढ़ाई तैयार हो रही है, बड़ी बेहतरीन लग रही है, बड़ी मज़े की। फ्लेवर्स आप देख सकते हैं, टेस्ट वगैरह भी इसका कमाल होता है, आप ज़रूर विज़िट करें और खा के मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगती है। क्रीम वगैरह भी फुल प्यार मोहब्बत से डाल दिए भाई ने, बड़ा अरोमा आ रहा है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। ओए होए होए, चेक करें ज़रा आप कितनी बेहतरीन लग रही है माशाल्लाह। लाहौरी खानों का यही मज़ा है कि इसमें फ्लेवर वगैरह टेस्ट वगैरह बड़ा बेहतरीन होता है। सो खाना आ गया, आप खा के आपको दिखाते हैं कि टेस्ट कैसा है। देखें प्लेट ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है, बड़ा मज़ा आ रहा है, साथ रोगनी नान है, और ये देखें प्लेट फुल खाली कर दी है, सारी कढ़ाई खा गए हैं, प्लेट फुल हो गया माशाल्लाह, बड़ा मज़ा आया, टेस्ट बेहतरीन था। आई विल रेट दिस 10 out of 10, आप भी ज़रूर विज़िट करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। सो फुल पेट हो गया, बस खा लिया, बिल वगैरह देते हैं और फिर घर को निकलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इंशाल्लाह इस तरह की और वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा सर्दियों में कश्मीरी चाय पीने का तो अपना ही मज़ा है, इसलिए प्लान बना के कश्मीरी चाय भी पी जाए, तो आप कश्मीरी चाय पीने आए हैं। मौसम की मुनासबत से जैसे कि आप बाहर देख सकते हैं कैसे सर्दी है, तो कश्मीरी चाय पीने का बड़ा मज़ा आ रहा है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेंगे। स्टॉप एंड सिप के नाम से यहाँ पे वापडाउन टाउन के पास इनकी लोकेशन है, तो ज़रूर आइएगा।